तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है कि जो जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो ठंडे जल में अच्छा महसूस कर पाते हैं, यानी कि वो ठंडे जल में अच्छी तरीके से रह पाते हैं गर्म जल की तुलना में। अब ऐसा क्यों है, वाई, इसका आंसर क्या है? तो देखो गाइस, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, एक बार और बोलता हूँ कि ताप में वृद्धि करने पर अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैसों की विलेयता कम हो जाएगी, यानी कि जो गैसें उसके अंदर घुली हुई थी, यानी कि किसी लिक्विड, कोई लिक्विड है, अगर उस लिक्विड को अगर तुम टेम्परेचर दोगे, यानी कि हीट दोगे, टेम्परेचर हाई करोगे, तो उस लिक्विड के अंदर जो गैसें घुली हुई है वो उड़ के बाहर चले जाती है, यानी कि उनकी जो सोलिबिलिटी थी, घुलनशीलता थी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये कम कैसे हो जाती है, तो देखो इसको एक प्रकार जैसे अपने घरेलू एग्जाम्पल से समझो इसको, कि सब बोलते हैं कि जो वाटर होता है, जल होता है, उसको गर्म करके पीना चाहिए। अब उसे गर्म करके पीने की सलाह क्यों दी जाती है पानी को, तो देखो गाइस, पानी को गर्म करके पीने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जब अपन क्या करते हैं, जल को गर्म करते हैं, तो जल को गर्म करते हैं तो पहली बात उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, यानी कि वो डेथ हो जाते हैं, पहला फायदा तो हो गया। और दूसरी बात क्या है कि जैसे अपन क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, यानी कि उसको टेम्परेचर देते हैं, तो उसके अंदर जो गैसें घुली हुई थी, जो जहरीली गैसें रहती है, वो भी क्या हो जाती है, उड़ के बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से जो अपन जब वाटर को बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, समझ में आएगा इस। तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और दूसरी बात जो उसके अंदर जो जहरीली गैसें घुली हुई थी वो उड़ के चले जाती है, यानी कि अपन ने क्या किया, टेम्परेचर में वृद्धि की, तो उसके अंदर जो गैसें घुली हुई थी वो बाहर चली गई, यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि करने से जो घुलनशीलता थी गैसों की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो गाइस, जलीय जीव ठंडे जल में अच्छा महसूस क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जल ठंडा है, जल ठंडा है, इसका अर्थ क्या हुआ, टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर साफ से बात है गैसें अच्छी तरीके से घुलेगी। अरे भाई, उधर मैंने क्या बताया, टेम्परेचर में वृद्धि करने से जो गैसें घुली हुई थी वो और चले जाती है, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर कम है ना, ठंडा जल है ना, जब टेम्परेचर कम है यानी कि ठंडा जल है तो क्या होगा, उसमें जो गैसें अच्छी तरीके से घुलेगी, तो गैसें अच्छी तरीके से घुलेगी, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन, ठंडे जल में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से घुली हुई रहती है, जिस वजह से जो जलीय जीव होते हैं वो ठंडे जल में अच्छा महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ठंडे जल में अच्छी तरीके से घुलती है। अगर देखो, अगर वहीं पर जो जीव ठंडे जलों में, जो जीव होते हैं जो ठंडे जल में रहते हैं, वो अच्छा महसूस कर पाते हैं, अगर उनको निकाल के अपन गर्म जल में डालते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, वहाँ पर मौत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जल का टेम्परेचर क्या है, हाई है, यानी कि जल गर्म है, और जब जल गर्म है, टेम्परेचर हाई है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन इतनी अच्छी मात्रा में घुल नहीं पाती, जब वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी अच्छी मात्रा में नहीं घुल पाती है तो वहां पर जो जलीय जंतु रहेंगे, जो जलीय जीव जंतु रहेंगे, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो गाइज, आपको आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसे लगा, अगर आप YouTube चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स होते हैं उनकी वीडियोज रेगुलर डलती रहती है। सो धन्यवाद।